नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भावना मंगला, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में बताऊंगी, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने आपके चेहरे पर हो जाते हैं। ये टाइनी पर्ली वाइट स्मॉल बम्प्स आपके आंखों के आसपास या आपके चेहरे के किसी भी भाग में हो सकते हैं और इन्हें कहते हैं मीलिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मीलिया क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मीलिया क्यों होते हैं। केराटिन हमारी स्किन का एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट होता है। कुछ कारणों से यह जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर यह पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो जहाँ यह केराटिन इकट्ठा होता है वहाँ एक सिस्ट का रूप ले लेता है और जनरली सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन के जस्ट नीचे ये इकट्ठा होकर मीलिया बना देता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और ये किस टाइप के होते हैं। पहला है न्यूनेटल मीलिया। छोटे छोटे बच्चों में आप देखते होंगे कि सफ़ेद रंग के ऐसे दाने हो जाते हैं, ये अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होती। एडल्ट्स में भी इस तरह के मीलियाज नज़र आते हैं और इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे चेहरे को अच्छे से क्लीन ना करना या एक्सफोलिएट ना करना, एक्सेसिव सन एक्सपोजर से भी मीलियाज डेवलप होते हैं, या अगर आप हैवी क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हैवी मेकअप को यूज़ करते हैं या सोने से पहले मेकअप को क्लीन नहीं करते तो भी मीलियाज डेवलप हो सकते हैं, या टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स के लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन से भी मीलिया होते हैं। अब एक एंटिटी होती है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी मीलिया। सेकेंडरी मीलिया हमारे आते हैं जब भी ट्रॉमा या बर्न्स आपके किसी जगह होते हैं तो वहाँ आपके छोटे छोटे मीलियाज आ सकते हैं, या कुछ लोग जो डीप केमिकल पील्स करवाते हैं या ओवर एग्रेसिव रिसर्फेसिंग लेजर्स करवाते हैं तो उसके बाद भी मीलिया डेवलप हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मीलिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, जिसके लिए आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड फेस वॉशेस को यूज़ कर सकते हैं। ये ना केवल आपके फेस की क्लेंजिंग करते हैं बल्कि एक्सफोलिएट करने में भी मदद करते हैं। आपको सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। हैवी मेकअप आप अप्लाई नहीं करेंगे और सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके आप सोएंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स से आप बचें और आपको हैवी क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी। तो अब हम बात करते हैं कि मीलिया का क्या ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। मीलिया कभी भी किसी क्रीम, लोशन या टैबलेट से रिमूव नहीं हो सकते। सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है मीलिया एक्सट्रैक्शन, जिसे मीलिया एक्सट्रपेशन बोलते हैं। एक छोटा सा निक दिया जाता है और एक्सट्रैक्टर की मदद से मीलिया को पूरा रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल के बाद छोटे छोटे क्रस्ट बनते हैं जो 4-5 डेज तक आपके रहते हैं और अपने आप ही वो शेड हो जाते हैं। रिमूवल के बाद मीलिया किसी भी तरह का निशान या स्कार नहीं छोड़ता। कुछ लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, CO2 लेज़र एब्लेशन या क्रायोसर्जरी भी करते हैं रिमूवल के लिए, बट मेरे एक्सपीरियंस में इन ट्रीटमेंट्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे छोटे मीलियाज हों चाहे बड़े, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे में मीलिया एक्सट्रैक्शन से ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब कुछ लीजन्स होते हैं जो बिल्कुल मीलियाज की तरह दिखते हैं, जैसे सिरिंगोमास। सिरिंगोमा स्किन कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं जो जनरली आपको आंखों के आसपास नज़र आते हैं। अगर इसको एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं, नीडल से प्रिक करते हैं तो ये नहीं निकलते। इसके लिए जनरली ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो CO2 लेज़र एब्लेशन किया जाता है, बट इसमें रिकरेंस रेट हाई होता है। दूसरे लीजन्स होते हैं जो मीलिया की तरह दिखते हैं, वो हैं वाइट हेड्स। वाइट हेड्स के लिए वाइट हेड एक्सट्रैक्शन के साथ साथ मेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है कि वो सिरिंगोमास हैं, वाइट हेड्स हैं या मीलियाज हैं, तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर तो वो मीलियाज हैं तो इसके लिए आप, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न है और आप इसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का नुकसान आपके शरीर पर नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप इसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो इसका बेस्ट वे होता है मीलिया एक्सट्रैक्शन। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so much.